एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरि नाम का मेहनती किसान रहता था। हरि दिन भर खेत में काम करता था, शाम होते घर वापस आ जाता था। हरि ने अपने खेत में सरसों का खेती किया था। जब हरि शाम को घर वापस आ जाता था, तब एक गाय जाकर उसकी फसल को बर्बाद करती थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टोरी वाला कार्टून वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। इस टाइप की वीडियो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में चलते हैं, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कहाँ से फुटेज लाते हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पर गाइज आपको जो इमेज सर्च लिखना है, जैसे यहाँ पर इमेज सर्च लिखते हैं तो गाइज यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। दूसरा एप्लीकेशन का नाम है क्रोमाटोन से, इसको भी आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे देख काफ़ी अच्छा रेटिंग है, कई सारे यूट्यूबर इसकी सहायता से स्टोरी वाला कार्टून वीडियो बनाते हैं। तो गाइज हम भी इसी एप्लीकेशन के सहायता से स्टोरी वाला कार्टून वीडियो बनाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं चार कैरेक्टर है, इसमें से गाइज कोई भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको जितना कैरेक्टर चाहिए आपको जो है रख लेना है, बाकी सभी को जो है हटा देना है। ठीक है, हटाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्ले के साइड में एक ऑप्शन है, इस पर आपको जो क्लिक करना है। आपको जो कौन सा रखना है यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, लेडी फोर को हटा देता हूँ, यहाँ पर नॉन कर देना है। चुड़ैल को हटा देता हूँ, इसको भी नॉन कर देना है। ठीक है, ये दोनों को रखा हूं। यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहां पर देख सकते हैं बॉय का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर देख सकते हैं मैं जो है विलेज मैन पे क्लिक करता हूं, क्योंकि मैं जो है स्टोरी वाला वीडियो बनाने जा रहा हूं तो यहां पर जो है इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको जो है ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं प्लस आइकन है, इस पे आपको जो है क्लिक करना है। यहां पर आपको जो फ्लिप करना है। यहां पर देख सकते हैं पहले इसका जो है फेस ए साइड था, अभी जो है ए साइड में आ गया, तो इसकी सहायता से आप जो इधर उधर फेस को कर सकते हैं। ठीक है, फिर से गाइस हम जो प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। यहां पर देख सकते हैं आइडियल है, इस पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको जो नीचे नीचे आना है। रिकॉर्डिंग के साइड में एक ऑप्शन है, इसमें आपको जो क्लिक करना है। और बैकग्राउंड वन है, इसमें आपको जो ग्रीन बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं जो है अपना मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग से इसको जो है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको भी रिकॉर्डिंग कर लेना है। और यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर टच करके गाइज इसको जो इधर उधर मूव करा सकते हैं आप अपने हिसाब से। यहाँ पर देख सकते अभी जो लात मार रहा है, इस तरह से अभी जो शो गया, इसे अपना जो फुटेज तैयार हो गया। अभी हम इसको एडिट करने वाले हैं। गाइज आपको इमेज शॉर्ट्स पे जाना है, यहाँ पर आपको शॉर्ट्स करना है खेती कार्टून इमेज। ठीक है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। आपको जो तीन चार बैकग्राउंड को ले लेना है, बैकग्राउंड भी गाइज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें जो कॉपीराइट भी रहता है। ठीक है, यहाँ पर किसी में लिखा है तो उसको आपको जो है नहीं लेना है। तीन चार बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास चार बैकग्राउंड है। ठीक है, आपको जो है पीआईपी पे जाना है, उस सीन को ले लेना है जो आपने रिकॉर्डिंग किया था। कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो ये सभी सीन को यहाँ पर एड किया हूँ। आपको जो स्क्रीन पर क्लिक करना है और आपको जो क्रोमा पे जाना है, इसका जो है बैकग्राउंड को हटा देना है। यहाँ पर देख सकते हैं की का ऑप्शन है, इसमें आपको जो क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो प्लस करना है तो अपना जो की लग जाएगा। उसके बाद गाइज आपको जो धीरे धीरे हाथ से इधर उधर लेके आना है। यहाँ पर देख सकते मैं पहले से की लगा के रखा हूँ, तो यहाँ पर आपको जो धीरे धीरे हाथ से आगे लेके आना है। ठीक है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्ट लेना है, इसमें भी आपको जो की लगाना है और इसका जो बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। की की सहायता से आप किसी भी सीन को इधर उधर कर सकते हैं। जिसका ऑप्शन है, इसमें आपको जो है जाना है, रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, मेरा जो एआई का यूज़ करके मुझे ऑडियो बना के रखा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते मुझे उस ऑडियो को सिलेक्ट करके रखा हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।